महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन हाल में सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों और सफाई सुपरवाइजरों के साथ महाशिवरात्रि पर मंदिरों की साफ सफाई, पथ पर काज, बेसहारा पशुओं, महानगर की साफ सफाई व्यवस्था और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर आयुक्त ने सुपरवाइजरों को अहम जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, प्रत्येक सुपरवाइजर अपने वार्ड में साफ सफाई की जिम्मेदारी लेगा, वार्डों में बेसहारा पशुओं और पशुपालक की खबर रखेगा, सफाई कर्मियों पर नजर रखेगा। कम से कम 10% घरों के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की शुरुआत होगी। अच्छे काम के लिए सुपरवाइजरों को पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि साफ सफाई की व्यवस्था उचित न होने पर उसे दंडित भी किया जाएगा। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न वार्डों के सफाई सुपरवाइजर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, देखिए इस शहर में हम सभी लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सफाई व्यवस्था है और इस सबसे बड़ी चुनौती के सबसे नीचे के कर्णधार यानी ये चुनौती जिसके कंधों पर है वो आप हैं। पिछले दिनों एक सप्ताह का समय हो गया मुझे आए और मैंने एक बार आपसे बातें की थी, आप सभी लोग उपस्थित हुए होंगे। इसके बाद सुबह प्रायः ही लोगों से मुलाकात होती है, आप लोगों में से तमाम लोगों से हमारी मुलाकात भी होगी सुबह 7 से 8 के बीच में या 7 बजे या 8:30 बजे। इसके बाद भी मुझे दुख के साथ कहना है कि स्थिति में जितना परिवर्तन दृष्टिगोचर होना था उतना नहीं दिख रहा। इसलिए पहले बहुत विस्तार से भी आपको बताया गया था, फिर बता रहा हूँ कि सफाई व्यवस्था के लिए अगर मुझे पूछना है या माननीय महापौर जी को पूछना है वो आपसे पूछेगा। एक सुपरवाइजर के नीचे 30 से लेकर 35 सफाई कर्मी हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 3000 सफाई कर्मियों में से किसी एक से हम बात कर सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। लेकिन आप 70 हैं, 70 लोगों से हम बात कर सकते हैं और यदि आपके वार्ड में सफाई नहीं पाई जाती है तो उसके लिए सीधे जिम्मेदार आप होंगे। ये आपके ऊपर है कि नीचे के लोगों से कैसे काम लें ताकि आपकी भी वाह वाह हो और हमारी भी वाह वाह। ऐसी परिस्थिति आने ही न दें कि हमें विवश होना पड़े आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अब ये कैसे होगा? जैसा कि माननीय महापौर जी ने कहा, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि सफाई कर्मी नियमित रूप से आए, न सिर्फ नियमित रूप से आए बल्कि 7 बजे, 6:30 बजे या 6 बजे जैसा समय निर्धारित किया जा रहा है उस समय आकर तब तक काम पर लगे रहें जब तक उसकी भीड़ पूरी तरह से साफ न हो जाए। भीड़ का निर्धारण यहाँ किया जा चुका है लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि अगर उसमें आप थोड़ा सा अपना अपना भीड़ देख लें, अपने वार्ड का भीड़ कैसे बना है, वो सफाई कर्मी में किसी भीड़ में किसी को रखना चाहते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी स्वतंत्रता है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर कहीं कूड़ा दिख गया तो वो कौन सी भीड़ है उसके लिए हम आपसे नहीं पूछेंगे कि इस भीड़ का कर्मचारी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं साफ किया। मैं ये पूछूंगा कि आप सुपरवाइजर हैं, यहाँ पर कूड़ा क्यों है, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे।
तो जब मैं आपको इतनी स्वतंत्रता दे रहा हूँ कि आप ये तय कर लें कि उस बीट पे कौन कर्मचारी रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो सफाई पूरे वार्ड में चाहिए। क्या आपको ये ज्ञात है कि पूरे आपके वार्ड में तमाम बीट निर्धारित की गई है, उसको कई बीट में बांटा गया है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाए। जो क्या उस बीट का पालन हो रहा है? आप खड़े हो जाइए। सुबह आपके यहाँ वो कर्मचारी ढूंढता रहा, मैं नौ है उसके बाद मिल गया या नहीं मिला? कम से कम 15 मिनट आपके साथ पैदल चल के हर वार्ड हर बीट में मिल गया आपके वार्ड में, नहीं मिला वो, तो उस कर्मचारी के लिए आपको कंप्लेन हो रहा है, उसे आपने क्यों पहले दिखाया? कलेक्शन की बात कही गई, लेकिन उसको हम लोग जिसकी स्तर पर नहीं ले पाए, हम तो नहीं कर सकते। बताइए, आदर्श स्थिति यही है कि हर घर वाला इतना संवेदनशील हो, इतना जागरूक हो कि अपना दिन भर का पूरा इकट्ठा रखे, आप जाए सीटी बजाए खटखटाए ठेला गाड़ी लेके, आपकी ठेला गाड़ी उनको लड़ रही। अब सोचिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा और दूसरे पूरे शहर में ये शोर हो जाएगा कि हाँ यहाँ काम हो रहा है। हम लोगों ने एक मीटिंग की है सफाई सुपरवाइजरों के साथ, और हर सफाई सुपरवाइजर को हम लोगों ने एक सीओजी नंबर देने जा रहे हैं, जिसे मीडिया के माध्यम से जनता को बता दिया जाएगा। जिस वार्ड का जो सफाई कर्मचारी रहेगा उसके पास एक नंबर रहेगा, सीओजी नंबर रहेगा, और उस पर उस वार्ड के लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, उसे निर्देशित कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे अधिकारी भी उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे। उसकी जिम्मेवारी होगी कि हमारे यहाँ कितने कर्मचारी सफाई कर्मी आए और कितने नहीं आए, ये अपने ऑफिस को भेजेगा मास्टर रोल बनाकर। तो इस तरह की व्यवस्था से वही व्यक्ति सुपरवाइजर जिम्मेवार होगा कहीं भी गंदगी उस वार्ड में देखती है, तो इसकी जिम्मेवारी उनको दी गई है, उनको हम एक नंबर अलाट करना है। साथ ही साथ दो टेलीफोन नंबर नगर निगम जल्दी प्रकाशित करेगा कि कौन कौन से नंबर पर जनता अपना कंप्लेंट लिखा सकती है। इसे दो नंबर दिए गए हैं जो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि को 6 बजे शाम 6 बजे तक काम करेगा। कोई भी नागरिक उस पर अपना कंप्लेंट लिखा सकता है और लिखाने के बाद वो संबंधित अधिकारी के पास उसकी सूचना जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। ये बातें सुपरवाइजरों के बीच में हुई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था बेहतर हो। साथ साथ ये योजना बनाई गई है कि हम कूड़ा कलेक्शन भी घर घर से करें। अगर हम 100% नहीं कर पा रहे हैं तो हर महीने हम 10-10% कम से कम सुनिश्चित करें कि मोहल्ले में अगर 100 घर है तो 10% लोग हमको कूड़ा डालते हैं, और इसका मापदंड बढ़ाया जाएगा कि आगे के महीनों में 20% करें, आगे 30% करें। नागरिकों को जागरूक करके हम लोग कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू करेंगे तो सड़कों पर कूड़ा नहीं जाएगा और स्वच्छ शहर दिखेगा। मैं नागरिकों से भी अपील करूंगा कि इस व्यवस्था में हमारे सफाई कर्मियों को पूरा पूरा सहयोग करें। नगर में जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं, अभी उनकी संख्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। अभी जहां मधवलिया जंगल में जो पशु जाते थे वहां शेड लगाने का काम शुरू हो गया है, 15 दिन के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा तो बड़ी संख्या में पशुओं को हम शहर से हटाएंगे। साथ ही साथ उन सुपरवाइजरों को आदेशित किया गया है, पशु जो लोग पालक हैं जो मोहल्ले में वार्डों में पशु पालते हैं, वो पशुपालकों को किस पशुपालक की कितनी संख्या है
ये हमारे जो सुपरवाइजर हैं बताएंगे, साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कौन लोग पशुपालक नालियों में गोबर डालकर नालियों को चोक करते हैं, उसकी रिपोर्ट करेंगे। उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, जो नाले के अंदर गोबर डालेगा उसको दंडित किया जाएगा, पहले समझाया जाएगा, नहीं मानने पर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आज मीटिंग का मुख्य रूप से यही बिंदु रहा है। शिवरात्रि किस तरह से शिवरात्रि आ रही है, चर्चा भी है। शिवरात्रि पर 4 तारीख को है, हम लोगों ने कह दिया है कि 2 तारीख तक पूरे मंदिरों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, एक काम उस वार्ड के सुपरवाइजर को ही दिया गया। और विशेषकर आपको झारखंडी मंदिर और यहाँ पर जो मंदिर मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इस पर विशेष सफाई की व्यवस्था करने के लिए कही गई।